अच्छा जी, ये जो नया बाब है ये ड्रिल स्केयर के बारे में है। उसका उन्वान है, गर्दिश वक्त यहाँ आन के थम जाती। सुनते हैं किसी ने न्यूटन से या गालबन उसी के कबीले के किसी और फ़िलासफ़र से पूछा कि वक्त गुज़रने का एहसास मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में क्यों होता है। जवाब देने वाले ने एक मिसाल दी कि एक साहब किसी दिलरुबा हसीना के साथ महकते फूलों की क्यारियों के करीब बैठे उसके दहकते रुखसारों को देख रहे थे और ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे थे। सूरज मशरक से तुलू होकर मगरिब में डूब भी गया, सितारे झिलमिला उठे, रात जौबन पर आई, लेकिन उनका कलाम ख़त्म ना होता था। तब उस नाज़नीन ने एक नज़र अपनी घड़ी पर डाली और कहा कि अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। मीर साहब घबराए और बोले, अभी अभी तो आए हो, अभी कहाँ चले हो तुम। कुछ दिनों बाद वही साहब किसी जुर्म की बिना पर गिरफ्तार कर लिए गए। हाकिम वक्त ने सज़ा सुनाई कि चंद लम्हों के लिए इस शख्स को तपते हुए तवे पर बिठा दिया जाए। सज़ा पर अमल दरामद हुआ। बाद में किसी ने उनसे पूछा कि तवे पर बैठे हुए उनके एहसास क्या थे। सवाल की नौयत बताती है कि सवाल करने वाला यकीनन कोई साफ़ी रहा होगा। जवाब मिला कि एक एक लम्हा सदियों पर भारी था। ये मिसालें देकर कहने वाले ने ये साबित करना चाहा था कि वक्त के एहसास का दारोमदार खारजी हालात पर है, जिसमें इंसान सांस ले रहा हो। वक्त के बारे में कुछ ऐसा ही सवाल पीएमए के किसी कैडेट से किया जाए तो वो यकीनन कहेगा कि गर्दिश वक्त ड्रिल के पीरियड में थम जाती है। ड्रिल स्केयर के चारों जानेब चनारों के खूबसूरत दरख्त हैं, फूलों की क्यारियां हैं, हसीन रवशें हैं, लेकिन ये खुद तवे की तरह तपता रहता है और कैडेटों को बेशतर वक्त फूलों की क्यारियों से गुज़रकर इस ड्रिल स्केयर में जाकर गुजारना पड़ता है। ड्रिल की इब्तदाई तरबियत मुकम्मल हो चुकने के बाद जो पहला नज़ारा ड्रिल स्केयर में दिखाई देता है वो सल्यूटिंग टेस्ट है। उस टेस्ट का कैडेट की ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक है। एकेडमी के माहौल से दिल घबरा जाए तो कैडेट शहर जा सकता है, लेकिन सल्यूटिंग टेस्ट में फेल हो जाने वालों को यह रियायत हासिल नहीं होती। ऐसे कैडेट किसी अफसर को सल्यूट करने के मजाज भी नहीं होते। हमारे टेस्ट के दिन सर पर आए तो पूरी प्लाटून के लिए नई वर्दियां तैयार करवाई गईं, धोबियों को ब्रीफिंग दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि टेस्ट वाले दिन यूं लगता था जैसे वर्दियों को मैदे या सागुदाने की माया में नहीं बुरादे के महलूल में डुबोया गया था। तमाम कैडेट नहा धोकर एक ग्राउंड में जमा हो गए कि आज वर्दियां उन्होंने खुद नहीं पहननी थी, उनको पहनाई जानी थी। तब जैसे सखियां किसी दुल्हन को सुहाग रात के लिए तैयार करती हैं, हम कैडेटों को ड्रिल टेस्ट के लिए तैयार किया गया। लेकिन मशातगी में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। दुल्हन तो बेचारी लजाए जाती है दामन छुड़ाए जाती है, नज़र मिलाती नहीं मुस्कुराए जाती है, लेकिन यहाँ किसी कैडेट को अंडरवेयर पहना कर एक दरख्त से लटका दिया गया था और नहायत एहतियात से पतलून पहनाई जा रही थी। किसी कैडेट को किसी दीवार पर बिठाकर बड़ी आहिस्तगी से पतलून में उतारा जा रहा था। मकसद इस सारे अहतमाम का ये होता है कि पतलून में कोई शिकन ना आ जाए। जब सब लोग वर्दियां पहन चुके तो उन्हें बूटों में उतारा गया और बैरों ने तस्मे बांधे कि झुकने से भी करीज में खम पड़ने का ख़तरा था। फिर सब लोगों को कतार अंदर कतार खड़ा किया गया और सीनियर कैडेट स्टाफ और बैरे कैंचियां लिए हमारे चारों जानेब घूमने लगे। कहीं कोई धागा नज़र आता तो फौरन उसका सर कलम कर दिया जाता। यूं बहज़ार नाज व बसद अदा, जो चमन की सिमत को हम चले,
तो सुकूत गुंचों पे छा गया, वो गुलों के चेहरे उतर गए। बात की तफसीलात गैर ज़रूरी हैं, जो पास हो गए उन्हें शहर जाने की इजाज़त मिल गई और वो हर हफ्ते और इतवार को फेल होने वालों के ज़ख़म हरे करते नज़र आते थे। एक टर्म गुजर जाने के बाद कैडिट के शानों पर एक बार का इजाफा हो जाता है और ये तब्दीली ड्रिल स्केयर में बार बार अपना एहसास दिलाती रहती है, क्योंकि ड्रिल बाकायदा वर्दी पहनकर की जाती है और ड्रिल के दौरान सफ़ें दुरुस्त करते हुए कैडिट की निगाहें अपने दाएं हमसाए के शानों पर ही मरकूज़ होती हैं। वर्दी पहनी हो तो एक टर्म के गुजरने का एहसास होता रहता है और ये वर्दी सिर्फ ड्रिल स्केयर ही में पहननी नसीब होती है, वगरना इब्तदाई अयाम में कैडिट का ज़्यादा वक्त या तो पीटी किट में गुजरता है या फिर एक और लिबास में, जिसे पतलून और कमीज़ की तरह अलहदा अलहदा पहनने का तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ता। इस लिबास में ये अय्याशी भी मैसर है कि जूतों समेत इसमें दाखिल हुआ जा सकता, उसके बाद सिर्फ बेल्ट और कैप बाकी रह जाती है, जिसे चलते चलते भी दुरुस्त किया जा सकता है। उर्फ़ आम में इसे डांगरी के नाम से पुकारा जाता है और कैडिटों में यह लिबास खासा मकबूल है, क्योंकि अव्वल तो इसकी क्रीज चेक नहीं की जाती, दूसरे उसका इस्तेमाल कसीरुल मकासिद है, हथियारों की तरबियत का पीरियड हो या उनकी सफाई का, काकूल रेंजेस पर फायरिंग हो या बैटल कोर्स, एकेडमी से बाहर फौजी मशकें हों या कैडेट क्लब में रात की हाजिरी, हर मौके पर इसे ज़ेब तन किया जा सकता है, बल्कि किसी थका देने वाली फौजी मशक या रात गए कैडेट क्लब से वापसी पर जब अपने कमरों में पहुंचते हैं तो बेसुध होकर डांगरी समेत बिस्तर में घुस जाते हैं। यह लिबास एक बेहतरीन स्लीपिंग सूट का काम भी देता है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि उसे पहने हुए दौड़ लगाएं, मार्च करें, लेट जाएं, बैठ जाएं या हसब हुकुम कलाबाजियाँ खाते रहें, इसका बाल भी का नहीं हो पाता। यही वजह है कि धुलाई के वक्त धोबी भी इसे अपने जुमला जुल्म व सितम से महफूज रखता है। बाज़ रिवायात के मुताबिक वो महज ड्राई क्लीनिंग का मुर्तकिब होता है, यानी झटक झटक कर इसका गिर्दोगुबार झाड़ देता है और इस्त्री करके वापस भिजवा देता है। कभी कभार एहतियातन उसके दो तीन बटन ज़ख्मी कर देता है ताकि सनद रहे कि डांगरी बाकायदा धुलाई के बाद वापस जा रही है। ज़िक्र था परेड ग्राउंड और गुज़रते हुए लम्हों के साथ साथ यहाँ बदलते हुए मनाजिर का। इब्तदाई दिनों में पूरा कोर्स आठ आठ दस दस कैडेटों के ग्रुपों में तकसीम कर दिया जाता है। हर ग्रुप पूरे एक अदद स्टाफ के हवाले कर दिया जाता है, जो दाएं फिर राइट टर्न और बाएं फिर लेफ्ट टर्न की गिरदान कुछ ऐसे तसलसल से करते हैं कि कैडेट दाएं बाएं का फ़र्क भूल कर महज फिरने पर उतर आता है। चुनांचे ऐसे नज़ारे भी देखने को मिलते हैं कि स्टाफ ने काशन दिया दाएं फिर और एक आध कैडेट बाएं को घूम गया। ऐसे मौके पर स्टाफ पर जो कुछ गुज़रती है उसका इजहार वो तो बरमिला कर देता है, लेकिन हम सिर्फ अपनी आर्जी और बेबसी का इजहार ही कर सकते हैं कि उन कैफियात को अल्फाज के सांचों में समेटा नहीं जा सकता। कभी कभार एडजुटेंट या सूबेदार मेजर साहब की तरफ से हुक्म होता है कि कैडेटों की बेल्टें चेक की जाएं। स्टाफ चेकिंग पर उतर आता है। एक कैडेट की बेल्ट थोड़ी सी ढीली पाई गई है, स्टाफ मुजस्मा हैरत बन जाएगा, साहब ये बेल्ट बांधी है, इसमें से तो पूरा ब्रिगेड गुजर जाएगा। हम शुरू शुरू में ब्रिगेड को नहायत हकीर सी चीज़ जानते रहे कि जिस बेल्ट में से सांस का गुज़र मुश्किल हो वहाँ से उसे बआसानी गुजारा जा सकता है। ये इब्तदाई दिनों की कुछ बात का जिक्र है। एक दिन स्टाफ उल्टा फिर यानी अबाउट टर्न का सबक पढ़ा रहा था। कैडेटों का मुड़ना तो ठीक था, लेकिन स्टाफ का इसरार था कि मुड़ने के बाद पिछला पैर ज़रा बुलंदी से आकर ज़मीन पर बजना चाहिए और ये बुलंदी बेल्ट की सतह के बराबर होनी चाहिए। पहले तो स्टाफ समझाता रहा,
फिर गुस्से में आकर खुद डिमॉन्स्ट्रेशन देना शुरू कर दिया। अबाउट टर्न का ये मुजाहरा था तो बड़ा शानदार, लेकिन इस हरकत के दौरान चर किस्म की एक आवाज़ आई। जहन चूँकि पैरों में उलझा हुआ था, इसलिए कुछ ठीक से समझ में नहीं आ सका कि आवाज़ कहाँ से आई। अलबत्ता उसके फौरन बाद स्टाफ ने उल्टा फिर का काशन दिया। अब पूरी कंपनी का रुख स्टाफ की मुखालिफ जानिब था। दूसरा काशन ना मिलता है न फिर, आखिर खुसर पुसर शुरू हुई। बाजुओं की जानिब खड़े कैरेक्टर ने पहले तिरछी नज़रों से पीछे की जानिब देखा, फिर थोड़ी सी गिरदर ने उड़ाई और फिर बाकायदा पीछे का जायज़ा लेकर यह रिपोर्ट दी कि स्टाफ गायब हो गया। तब स्टाफ के बिलमुकाबिल खड़े कैरेक्टर ने इंकशाफ किया कि अबाउट टर्न के मुजाहरे के दौरान स्टाफ की पतलून बड़ी नाजुक जगह से जवाब दे गई थी। उस पर दबी दबी मुस्कुराहटें जारी थीं कि एक कैडेट ने स्टाफ की निशानदेही की, जो एक और स्टाफ को सूरत हाल से मतला करने के बाद तेज़ी से ग्राउंड से बाहर जा रहा था। जूँ जूँ दिन गुजरते जाते हैं, कैडेटों से तवक्कुआत में इजाफा होता चला जाता है। फिर उनसे एक लम्हे की चूक भी हो जाए तो नाकाबिल बर्दाश्त होती है। अक्सर ऐसा होता है कि स्टाफ ने हुक्म दिया होशियार, पूरी कंपनी होशियार हो गई, लेकिन किसी एक कैडेट का पैर लम्हे के एक हकीर से हिस्से की ताखीर से ज़मीन पर पहुंचा। ये मामूली सा फ़र्क भी स्टाफ की नज़रों से कभी ओझल नहीं रहा। वो खौलता हुआ कैडेट के पास पहुंचता है, साहब क्या तालीम है आपकी? जवाब सुनकर उसका पारा बुलंदी की जिस सतह तक पहुंचता है, आम थर्मामीटरों के लिए उसे शायद मापना मुमकिन ना हो। और फिर उस तालीम पर तबसरा कुछ इस अंदाज से होता है कि तालीम पूछो तो इतनी कि गधे किताबें नहीं उठा सकते, और यहाँ काशन मिलने के बाद खड़े रहते हैं बुत बनकर। 3 घंटे के बाद पैर उतरता है ज़मीन पर, क्रेन में गवा दूँ तुम्हारे लिए। पासिंग आउट परेड करीब आती है तो स्टाफों को ग्राउंड से बाहर खड़ा कर दिया जाता है और कंपनियों की तमाम तर कमांड कैडिटों के हाथ में आ जाती है। वो खुद ही मातहत होते हैं और ख़ुद ही अफसर। ग्राउंड से बाहर खड़े स्टाफ की नज़रें अपनी अपनी प्लाटून पर रहती बल्कि चिपकी रहती हैं। प्लाटून में कोई कैडिट किसी गैर ज़रूरी हरकत का मुर्तकिब हो या उससे किसी ताखीर का जुर्म सरजद हो जाए तो स्टाफ के कदम खुद ब खुद प्लाटून की जानिब उठ जाते हैं। लेकिन हुक्म चूँकि यही होता है कि स्टाफ ड्रिल्स केयर से बाहर रहें, इसलिए स्टाफ खुद को थम का काशन देकर रोक लेता है और महज दांत पीसने पर इक्तफा करता है। ताहम कभी कभार ये पाबंदी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कैडिट बावजूद कोशिश के एडजुटेंट की कोई बात समझ नहीं पाते और वो तंग आकर स्टाफों को प्लाटूनों पर छोड़ देता है। और ड्रिल स्केयर के चारों जानिब से लपकते हुए स्टाफों का ये मंज़र बड़े बड़े जुगादरियों का पित्ता पानी करके रख देता है। अल्लाह बख्शे मेजर सरोज गनी को सफ़ेद बुर्राक ऐसे घोड़े पर बैठे यूं लगते जैसे परिस्तान का कोई शहजादा ज़मीन पर उतर आया हो। लेकिन उनमें ख़राबी यही थी कि वो शहज़ादों की तरह बोलते नहीं थे, जिनों और भूतों की तरह गरजते बरसते रहते थे। जूं जूं पासिंग आउट परेड नज़दीक आती जाती थी, उनका इस्तराब बढ़ता जाता था। वो घोड़ा दौड़ाते, कभी एक कंपनी की तरफ आते, कभी दूसरी की तरफ, फिर हैरान और परेशान तीसरी कंपनी को देखते। कुछ समझ में ना आता तो तमाम कंपनियों को इकट्ठा करके तकरीर करना शुरू कर दे, ये परेड कर रहे हो तुम, पासिंग आउट परेड सर पर आन पहुँची और तुम्हारा मायार इतना हौलनाक, इतना खौफनाक, इतना वहशतनाक। कैडेट बेचारों ने अपनों मनो पसीना बहाया, लेकिन उनकी हौलनाकियाँ, खौफनाकियाँ और वहशतें पासिंग आउट परेड तक ख़त्म ना हो पाई। स्टाफ ज़ाहिर है एडजुटेंट के मुसाहिबों में शुमार होते हैं, वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं। एक दफ़ा प्लाटून को ड्रिल करा रहे थे, चलते चलते थम का काशन दिया, पूरी प्लाटून एक
आठदार आवाज़ के साथ साकित हो गई। बेसाख्ता स्टाफ की ज़ुबान से फिसल गया, गुड। लेकिन फिर जाने क्या ख्याल आया कि हसबे मामूल चिल्लाने लगे, ओ ये थम किया है, मेरी मेहनत का ये सिला है, मैं तुम लोगों का क्या इलाज करूं? तुम क्यों मेरी इज्जत के दरपे हो गए हो? काश मैं दफन हो जाऊं, डाउन, नीचे डाउन, ज़मीन में। सारे साल के दौरान परेड के जाग उदास मरहले वो होते हैं जब किसी फौजी मशक से वापसी होती है। कैडेट एकेडमी पलटते हैं तो तीन चार दिनों की बेख्वाबियाँ गुलाबी डोरे बनकर आँखों में समाई होती हैं। बाल मुख्तसर होने की वजह से उलझे होते हैं, न उन पर बिखरे होने की तोहमत चस्पा की जा सकती है। ताहम मश्क के दौरान सरहाना ईंट का होने और ज़मीन का बिस्तर होने की वजह से उनमें गर्दोगुबार की खासी मकदार आती है। पसीने और गर्दोगुबार से मिलकर वजूद में आने वाली जो तहें जिस्म पर जमती चली जाती हैं, वो एक सूंधी सूंधी सी खुशबू छोड़ रही होती हैं। एकेडमी जू जू करीब आती जाती है, बाथरूम में घुसकर जी भरकर नहाने और उसके बाद घोड़े और गधे जो भी मिल जाएं बेचकर सोने की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार करती चली जाती है। लेकिन गेट पर उतरते ही सिर्फ स्टाफ मिलते हैं जो उल्टा तकान से चूर कैडेटों को बाकायदा फॉलन करके ड्रिल्स केयर में ले जाते हैं और उनसे परेड करवाई जाती है। किसी भी बड़ी फौजी मशक से वापसी पर यह रस्म ज़रूर अदा की जाती है। मालूम नहीं ये रस्म किस ज़रखेज़ दिमाग की ईजाद थी। मौजिद खुद तो जाने कहाँ होगा, लेकिन उसकी ईजाद घर बैठे उसके लिए हर साल बेशुमार दुआओं का सबब बनती रहती है।